हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत और आ चुके हैं आज एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उस सीरीज की ये पहली वीडियो है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं सेलिब्रिटीज की ट्रांसफॉर्मेशंस की। क्या है उनके सीक्रेट्स, क्या वो नेचुरल ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी बॉडी को या फिर कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसे एज अ केस स्टडी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे पहले उनके पास्ट के बारे में, कैसी उनकी पहले फिजिक थी और क्या उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशंस करी हैं इस दौरान। तो आज का हमारा सबसे पहली जो वीडियो है जो इस सीरीज की है उसमें हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान की। यस, दी शाहरुख खान। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज रिसेंटली हमने लास्ट 4-5 ईयर्स पहले देखा था जब उनकी मूवी आई थी हैप्पी न्यू ईयर, तो उनको एक बहुत ही ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था। इससे पहले हमने उन्हें 2007 में जब ओम शांति ओम में उन्होंने सिक्स पैक एब्स निकाले थे तब हमने उनको एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था। और अब रिसेंटली 2021 में हम देखने वाले हैं उन्हें पठान में फिर एक और बार ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ। तो क्या है इस ट्रांसफॉर्मेशंस के सीक्रेट, क्या वो नेचुरल ही ट्रांसफॉर्म करते हैं? मैं यहाँ पे कुछ भी जो है किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी कैपेबिलिटी पे या उनकी एबिलिटी पे कोई शक नहीं करता। ऑब्वियसली अगर उन्होंने इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी होगा, बट हम इसे एक बार हम ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं एक्चुअली में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और हाँ, इन द एंड मैं कंक्लूजन बताने वाला हूं, तो आपके क्या व्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने भी व्यूज़ बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। और साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। सबसे पहले हम देखते हैं शाहरुख खान की पहले की मूवीज़ के अंदर उनकी कुछ पिक्चर्स, वो दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लीन, ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है उनकी फिजिक के अंदर कि हम कह सकते हैं कि यस वो वर्कआउट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने वर्कआउट नहीं किया हुआ है। उनका पास जो है उसके अंदर उन्होंने हॉकी खेला है एज एन स्पोर्ट्स, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने वर्कआउट नहीं किया होगा। यस, बट जहाँ पर बात करेंगे हम फिजिक की, तो हाँ उन्होंने अपने फिजिक पर वर्क नहीं करा था, उनकी स्ट्रेंथ स्टेमिना हो सकती है हाँ कि वो हो ज़्यादा, बट अगर आप उनकी फिजिक को नॉर्मली देखेंगे जहां से उन्होंने अपने स्टार्ट किया था फर्स्ट मूवी से लेके अभी तक, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है। हाँ, उसको आप मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, बट मैच्योरिटी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मसल्स भी उन्होंने गेन करी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल के लिए पिक किया है 2007 को, जिसके अंदर उनकी एक मूवी आई विच इज़ ओम शांति ओम। तो ओम शांति ओम के अंदर उन्होंने अचानक से सिक्स पैक एब्स निकाल के एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का सबूत दिया था, और मोर ओवर बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ को देखकर एप्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, और वही एक ट्रेंड सेटर था कि उसके बाद से हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा देखा मूवीज़ के अंदर लोगों को या फिर एक्टर्स को एप्स के साथ। तो कह सकते हैं कि हाँ, ये 2007 में एक एप्स निकालना, वो भी सिक्स पैक एप्स एट द एज ऑफ 42 वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर हिम, बट टू एंटरटेन अस उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया था कि सिक्स पैक एब्स निकाल लेते। बट क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो नेचुरल थी? क्वेश्चन वापस वहीं आता है। तो पहले हम लोग देखते हैं इनको, इनकी पहले की मूवीज़ लाइक अशोका, जिसके अंदर उनको हमने प्रॉपरली नहीं देखा था शर्टलेस कहीं पे भी, बट हाँ वो मोस्टली सीन्स के अंदर ऐसे ही थे कि हाफ कवर्ड चेस्ट थी उनकी, तो उसके अंदर से मैंने कुछ पिक्स निकाली हुई हैं। देन उसके बाद उनकी कोयला मूवी, ऐसी मूवीज़ के अंदर मैंने देखा है कि हाँ वो लीन ही है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बल्की थे या कुछ, वो नॉर्मल एक लीन गाय ही थे उसके अंदर, और बाकी वो स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से हैं तो ऑब्वियसली उनकी फिजिक थोड़ी सी टोन्ड थी, बट हम ये नहीं कहेंगे मसल्स थी उनके पास। देन अगर आप ओम शांति ओम में भी देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत सारा मसल गेन कर रखा हो, नहीं, उन्होंने नॉर्मल वेट ट्रेनिंग करी है। और इस बारे में अगर आप इंटरव्यूज चेक करेंगे तो उस टाइम पे फराह खान ने भी ये बात कही थी कि शाहरुख खान ने 3 से 6 महीने के अंदर ये फिजिक रेडी कर दिया, बट क्या ये पॉसिबल है? सो नहीं।
ये 3 से 6 महीने का वर्कआउट नहीं है जिसकी वजह से ये फिजिक आई है। ऑब्वियसली इसको बहुत टाइम लगा हुआ है एंड आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको डेल्टॉइड शार्प दिखेंगे। नॉर्मली आप, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत शार्प, बट एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक यहाँ पे डेल्टॉइड ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे बाइसेप्स हैं, यहाँ पे आपके अपर ट्रैप्स हैं। इस जो वीडियो है इसके अंदर आप नॉर्मली देख सकते हैं कि आपको ट्रैप्स भी दिखेंगे, पेक्टोरियल मसल भी है, हाँ उनके अंदर गैप भी अच्छा खासा है कि आप सेपरेशंस देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट पेक्टोरियल के अंदर कि उनकी चेस्ट जो है में सेपरेशन भी अच्छी है, बट साथ के साथ 6-pack एब्स भी हैं। तो क्या ये एब्स नेचुरली पॉसिबल हैं? अकॉर्डिंग टू मी यस इट इज़, बिकॉज मुझे इस वीडियो के अंदर जो 2007 का उनका ट्रांसफॉर्मेशन था उसके अंदर मुझे कोई खास ऐसा मसल नहीं दिखी थी कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ उन्होंने कुछ यूज़ किया होगा एनाबॉलिक स्टेरॉइड, बिकॉज वो ऑलरेडी लीन थे और एक लीन गाय के लिए एब्स लाना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, इवन अगर वो 40+ हैं तब भी। अगर वो नॉर्मली वर्कआउट हर रोज़ कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ईजी है, जस्ट कैलरीज को थोड़ा सा डेफिसिट करना है। एंड हाँ, इस मूवी के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ उन्होंने वेट ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस किया है। इससे पहले ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने वेट ट्रेनिंग करी होगी, बट हाँ इस मूवी के दौरान उन्होंने वेट ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस किया है। जैसी उनकी मसल्स बता रही हैं, थोड़ी थोड़ी जो सेपरेशंस हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत मसल्स के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा एक लुक तैयार किया था अपना, और 6-pack एब्स तो एब्सोल्युटली अमेजिंग थे उनके। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसके अंदर इन्होंने सिर्फ एक कैलरीज ही डेफिसिट करी थी और थोड़ा वर्कआउट किया था। बट फराह खान का कहना है कि उन्होंने 3 से 6 महीने ही सिर्फ तैयारी करी थी, तो क्या ये सच है? मैंने वापस वही कहूँगा कि नहीं, क्योंकि उनके ट्रेनर प्रशांत का ये कहना था कि शाहरुख खान को वो काफ़ी सालों से ट्रेन कर रहे हैं। इन 2017 और आई थिंक 15 में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे 15-20 साल हो चुके हैं शाहरुख खान को ट्रेन करते हुए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो शाहरुख खान को सिर्फ वेट ट्रेनिंग करा रहे होंगे, ट्रेनर का काम सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करना, स्टेमिना के ऊपर, कार्डियोज होते हैं, बहुत कुछ है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते होंगे। तो हाँ, बट 2007 से पहले शायद 6 में उन्होंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी होगी, जिस वजह से वो ओम शांति ओम में थोड़े से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो अब बात करते हैं हम उनकी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, जो थी 2014 में, विच वॉज अ सुपर डुपर, आई वुड से 100% ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इसको 100 में से 100 मार्क्स दूंगा। अगर मेरे को कोई कहे कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप कितने मार्क्स दोगे, तो आई वुड से 100 मार्क्स, बिकॉज हैप्पी न्यू ईयर 2014 में आई थी एंड 2014 के अंदर उनका जो लुक था दैट वॉज अमेजिंग। उनके 8-pack एब्स थे एंड जो कि एट द एज ऑफ 52। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट भी इस वीडियो का अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ शाहरुख खान की 2014 की, यानी हैप्पी न्यू ईयर में जो उनके 8-pack एब्स थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और क्या वो नेचुरल था या स्टीरॉइड्स था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए, अपडेट आए, तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच।